मैं आपको बताऊं कि इसमें रोज़ाना संडे और सैटरडे को छोड़ करके इसमें रोज़ाना मिनिमम 12 हज़ार लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और शायद पिछले संडे को बंद था ना, है ना, शायद पिछले संडे को बंद था इसलिए इसमें उतनी पब्लिक नहीं आई। लेकिन संडे और सैटरडे को यहाँ पे 15 हज़ार से लेकर मिनिमम 25 हज़ार तक लोग इसमें देखने के लिए आते हैं। चलिए हम आपको और सारी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे और आपको बताएंगे हमारा लोटस टेम्पल कैसा दिखता है, कैसा है। गाइस वेलकम बैक टू माय गुड फैमिली। देखिए गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं लोटस टेम्पल एक ब्लॉग बनाने के लिए और देख रहे हैं अभी मेट्रो आ चुकी है और हम जालीमंडा के स्टेशन पर खड़े हैं। तो देखिए गाइस, मेट्रो आ चुकी है और हम लोग अभी मेट्रो में बैठेंगे हमारे ऊपर। और चलिए देखते हैं हमारा ब्लॉग। देखिए गाइस, ये हमारा मेट्रो का सफ़र पूरा हुआ। अब हम यहाँ से मेट्रो से नीचे उतरेंगे और उसके बाद हम आपको लोटस टेम्पल की तरफ लेके चलेंगे। ये रही जा रही मेट्रो और उसके बाद अभी हम रिटर्न भी आएंगे इधर। तब तक देखिए चलते हैं हम अपने लोटस टेम्पल की ओर। ये हमारा मेट्रो का सफ़र यहाँ पे शुरू हुआ। चलिए गाइस, ये देख भाई कितना खूबसूरत पानी दिख रहा है यार। और उसी के नीचे शायद इसके चारों तरफ 9 तालाब हैं जिसकी वजह से ये लोटस टेम्पल शायद मशहूर नहीं, इसके अंदर ये जो ठंडक रहती है गर्मी इसमें नहीं रहती क्योंकि इसके चारों तरफ शायद 9 तालाब हैं मिला जुला के। और इसके चारों तरफ मिला के 9 पंखुड़ियाँ हैं जिनको अगर 3-3 करके हम जोड़ें तो इसमें 27 पंखुड़ियाँ हैं। गाइस हम लोग चल रहे हैं लेकिन थोड़ा धूप लग रही है क्योंकि पूरा का पूरा मैदान खुला हुआ है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यह है तालाब जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है और चारों तरफ मिला जुला के सब 9 तालाब इसमें हैं। और इसका पूरा जो एकड़ है वो 27 एकड़ में इसकी पूरी ज़मीन है। हम आपको दिखाएंगे लेकिन चलिए पहले हम इसके चारों तरफ का जो नज़ारा है उसको हम आपको दिखाते हैं। नहीं साफ नहीं दिख रहा, अलाउड नहीं है जाना। नो, इसमें अलाउड नहीं है जाना। अभी किसी टाइम में खुलता है, पब्लिक जाती भी है और इसमें एक साथ मिनिमम 1300 लोगों को बैठने की इजाज़त है। इसमें 1300 लोग एकदम फिट आ सकते हैं और जब कोई शायद पंचायत होती है तब इसके अंदर एंट्री होती है। देखिए गाइस, इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं गाइस ये वाइट स्टोन से बनी हुई है और देखने में तो गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये देखिए इसका पानी जिसकी वजह से पूरा का पूरा लोटस टेम्पल एकदम ठंडक रहता है, इसमें गर्मी नहीं लगती। तो देखिए गाइस, मैं आपको इसके बारे में बताया कि ये जो तालाब दिख रहा है उस तालाब की वजह से ये पूरा लोटस टेम्पल ठंड रहता है। और इसका जो पूरा एरिया है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 27 एकड़ में फैला हुआ है और इसके अंदर ये लोटस टेम्पल की ये मंदिर जो बनी हुई है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये कि अच्छी बात मानो या कैसी बात मानो मुझे नहीं मालूम, वो एक भी मूर्ति नहीं है जिसकी वजह से इसमें हर एक धर्म के लोग आते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं, इसमें रहते हैं, देखते हैं इसको खूबसूरती के लिए। और कभी कभी बच्चे लोगों को जिनके कभी छुट्टी उट्टी रहती है तो पिकनिक के लिए भी लोग इस पर आ जाते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बताऊं
कि इसमें रोज़ाना संडे और सैटरडे को छोड़ करके इसमें रोज़ाना मिनिमम 12,000 लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और शायद पिछले संडे को बंद था ना, है ना, शायद पिछले संडे को बंद था इसलिए इसमें उतनी पब्लिक नहीं आई। लेकिन संडे और सैटरडे को यहाँ पे 15,000 से लेकर मिनिमम 25,000 तक लोग इसमें देखने के लिए आते हैं। चलिए हम आपको और सारी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे और आपको बताएंगे हमारा लोटस टेम्पल कैसा दिखता है, कैसा है, चारों तरफ से आइए। तो देखिए गाइस, आपको ये जितने भी चारों तरफ से चले जाओ देखने के लिए ऐसे ही लगेगा। लेकिन हाँ, पूरी की पूरी वीडियो देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड है। और आइए हम आपको दिखाएंगे इसके चारों तरफ से कैसा दिखता है। देखिए कि आप ये सच है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा क्लिक करते हैं। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद तो छोड़ ही दो, क्योंकि लड़कियाँ तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं, आपको मालूम होगा लड़कियाँ इसमें ज़्यादा देखिए इस तरह फोटो क्लिक करेंगे। और देखने से चारों तरफ इनको जैसे भी जाओगे, चाहे तो हम आपको नहीं दिखाएं लेकिन चलिए दिखाते हैं पूरा का पूरा चारों तरफ से, क्योंकि ये एक साइड से भी उसी तरह दिखता है और चारों साइड से भी उसी तरह दिखता है। ये दिखाते हैं देखिए गाइस, पब्लिक बहुत ज़्यादा है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ लोग लेट के फ़ोटो ले रहे हैं, कुछ लोग बैठकर, कुछ लोग एक टांग पे खड़े होकर के, कुछ लोग सो करके। यहाँ पे गाइस एक चीज़ बेईमानी हुई है आपको बताऊं, क्योंकि मैं बताया था कि इसके चारों तरफ 9 तालाब हैं और जिसमें से हर एक पानी का रंग थोड़ा सा ब्लू कलर का है। लेकिन मैं वहाँ पे देख के आया हूँ, एक पानी बिल्कुल गंदा है, तो मेरे हिसाब से बेईमानी हुई है। तो इस पानी को भी थोड़ा वो जिस कलर का ये है उस कलर को भी उसको कर देना चाहिए ताकि बंदा कन्फ्यूज़ ना हो जाए। ये देखिए गाइस, मैं बोला था कि एक तालाब का पानी थोड़ा गंदा है, तो यही वाला ये तालाब है, तो इसको भी उसी तरह कर देना चाहिए। शायद इसमें पानी भर रहे हैं, इसमें भी करेंगे वैसा ही जैसा सारे के सारे तालाब हैं। और ये रहा हमारा एग्ज़िट का रास्ता, इस तरह से हम लोग निकल जाएंगे बाहर। आपसे वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊँगा पूरा अंदर का वीडियो, तो ये रहा हमारा अंदर का वीडियो। लेकिन साफ दिखता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ चेयर्स रखी हुई हैं और एक बंदा है जो उनको साफ़ कर रहा है। इसमें एक साथ 1300 लोगों को बैठने की परमिशन है और इसमें फिट आ जाएंगे, 13,000 लोग इसके अंदर आ जाएंगे। और इसमें हर एक रिलीजन का आदमी आता है, देख के जाता है, पिकनिक मनाने के लिए भी लोग आते हैं और आकर के देख के जाते हैं, क्योंकि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। गर्मी हो, ठंडी हो, कोई भी सीज़न हो, मज़ा ही आता है, बस और कुछ नहीं आता, मज़ा ही खाली आता है। तो अगर आपको आना हो तो आप आइए और देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है। उतना दूर से आओ फिर इसकी सारी वीडियोज़ बनाओ, पब्लिक देखती है, थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो गाइस थोड़ा हेल्प कर दीजिए और देख लीजिए थोड़ा सा, तब तक हम आपको जब एग्ज़िट हो जाएंगे तब तक की सारी वीडियोस दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली वीडियो बन चुकी है, हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं अपने स्थान की ओर।
गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमारी एग्ज़िट हो रही है, और इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे हमारी सारी की सारी वीडियो की अपडेट आपके पास पहुँचती रहेगी। चलिए तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा ब्लॉग और हमारी वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।